हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हुआ एंड आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो अगर कोई आप में से ठीक नहीं भी होगा ना, आज जो मैं 10 बेनिफिट बताने वाली हूँ जिस इंग्रेडिएंट का, उसको सुनकर ना कोई अगर ना भी ठीक हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। यस, तो शायद इसके बारे में आपने पहले इतना सारा कुछ नहीं सुना होगा जो कि आज इस एपिसोड में मैं पूरा क्लियर करके बताने वाली हूँ। ये जो चीज़ है ये मेरे स्किन केयर रूटीन में था, ये मेरे स्किन केयर रूटीन में है और ये मेरे स्किन केयर रूटीन में होगा। यस, तो आज मैं जिस बारे में बताने वाली हूँ वो है गाइस लिकोराइस, यानी कि मुलैठी। ये एक्चुअली हमारे पास जो डस्ट आता है या जो भी ऊँट के फॉर्म में जो आता है वो एक्चुअली इस पेड़ का ये एक रूट है। हमें इसका पेड़ का नहीं मिलता, इसका जो रूट है वो उसको हम यूज़ करते हैं और वही हम जो पैकेजिंग में खरीदते हैं या अपन साड़ी के दुकान से या कॉस्मेटिक स्टोर से, तो वो रूट है जो कि हमारे पास डस्ट होके आता है। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं हमारे स्किन के ऊपर, हमारे हेयर के ऊपर, इवन ये हमारे शरीर के अंदर में भी कुछ कुछ बीमारियों को ठीक करने में ये आपको हेल्प करता है। हालांकि वो सब अलग बातें हैं। आज इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ लिकोराइस रूट को आप किस तरीके से अपने स्किन के रूटीन में ऐड कर सको ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, जैसे कि मुझे मिलता है और मिल रहा था, इसलिए अभी भी यूज़ कर रही हूँ और फ्यूचर में मुझे यूज़ करना है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। मैं 10 ऐसी अमेजिंग, हालाँकि इसके 100 बेनिफिट्स हैं लेकिन बट जो कि बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न में होती है, बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो हम आपको भी है मुझे भी है, तो ऐसे मैंने 10 पॉइंट को चुने हैं, उसी को मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं और मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से वो बेनिफिट है और किस किस तरीके से आप लिकोराइस को यानी कि मुलैठी को इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्किन केयर में, डेली स्किन केयर रूटीन में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ एक जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको ज़रा टैप कर दो तो और फिर सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद जो घंटी बटन है उसके साथ भी सेम करना है, दोनों को एस कलर का बना दो। बाकी आपको पता ही है क्या करना होता है। इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चलिए और ना बकवास करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मुलैठी यानी कि लिकोराइस ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिनको कि ऑयली स्किन है। हालांकि ये हर एक स्किन टाइप को सूट करता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट, हालांकि साइड इफ़ेक्ट तो आयुर्वेदिक चीज़ों का है ही नहीं आप कह लो तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपका कोई भी स्किन टाइप हो। तो ऑयली स्किन पे ये जो काम करता है, तो एक तो जो है कि अभी जैसे समर चल रहा है तो एक ना बहुत ज़्यादा एक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारे स्किन का, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एक ग्रीजी ग्रीजी सा चेहरा रहता है, हमें बार बार वॉश करना पड़ता है। तो लिकोराइस मुलैठी का क्या करेगा कि इसको जब आप अप्लाई करोगे रेगुलर वाइज में तो ये धीरे धीरे आपका वो जो ऑयली स्किन प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे ये क्योर करे। तो ये उस तरीके से ऑयली स्किन के ऊपर काम करता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है, जो ग्रीजीनेस है हमारे स्किन के उसको रोकता है, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण से भी हो जाती है, तो उसको भी रोकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑयली स्किन वालों के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी गवाही तो मैं खुद दे सकती हूँ। अगर आपने प्रीवियसली मेरे वीडियोस देखे होंगे, बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो मेरी स्किन ऐसी नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है उसका। हालांकि मैंने पूरा सलूशन दे रखा है कि मैंने कैसे इस तरीके की स्किन से ऐसे स्किन तक मेरा ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरीके से आया, तो वो डिटेल वीडियो में है। पर इसका बहुत ज़्यादा ये काम करता है आपके एक्ने के ऊपर। हालांकि मैंने उस एक्ने वीडियो में ये कहा है कि ये आपको एक्ने जो मार्क्स है उसके ऊपर काम करने में मदद करता है, पर ये ना ये दोनों तरफ से मदद करता है। अगर आपको लगता है कि अभी तो हमारे स्किन में हार्मोनल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने भरा हुआ है, अभी मार्क्स नहीं आए, तो क्या हम इस्तेमाल करें या ना करें? आप बिल्कुल इस्तेमाल करोगे क्योंकि ये आपके ये दो तरीके से काम करता है। एक तो आपके एक्ने के ऊपर भी काम करता है, एक्ने को भी कम करता है। अगर आप एक्ने के ऊपर से इसको लगाना शुरू करते हो ना, तो वो ना आपके जो एक्ने का मार्क्स है जो कि आफ्टर एक्ने आता है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्ने के साथ साथ ये मार्क्स पर इकट्ठे काम करेगा तो वो मार्क्स कभी उतना आएगा ही नहीं। लिकोराइस यानी कि मुलैठी का एक जो जिस कारण से ये जाना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स कंपनियां उनके कॉस्मेटिक्स में इसको डालती है कि इसके अंदर आपकी स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन करने की प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो ये अगर आप रेगुलर वे में आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये धीरे धीरे आपको आपके जो स्किन टोन है तो उसको आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। पर इसको डेली इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप बिल्कुल इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। हालांकि आखिर में मैं बता दूंगी कैसे आपको इस्तेमाल करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी गवाही भी मैं खुद दे सकती हूँ कि एक जो हो जाती है कि सेंसिटिव स्किन, यानी कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन भी है, मतलब कब कौन सा, मतलब मौसम की तरह बदलता रहता है। तो ऐसे स्किन में अगर जिनको सेंसिटिव स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, तो हम बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग या स्किन ग्लो करने की जो सारी पैक्स है वो वगैरह हम नहीं यूज़ कर पाते, क्योंकि एक्ने आने के चांसेस रहते। अब जैसे कि ऐसे हालात में ऐसा तो नहीं है कि हम स्किन ब्राइटनिंग या ग्लोइंग कुछ पैक ना लगाएं, ऐसे रेमेडीज़ ना करें। इसी हालात में तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ें नहीं आप यूज़ कर सकते हो, तो मुलैठी आपको इस चीज़ में भी आपको मुलैठी यानी कि लिकोराइज हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। सेंसिटिव स्किन में अगर आप ग्लो लाना चाहते हो, फेयरनेस लाना चाहते हो, तो इसमें भी मुलैठी यानी कि लिकोराइज बहुत ज़्यादा काम करता है। हमारी स्किन की जो इलास्टिन एंड कोलाजिन जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको लिकोराइज रीजेनरेट करने में मदद करता है। अब इलास्टिन क्या करता है, हमारे स्किन में जो एक सैगीनेस आ जाती है, जो स्किन झूल जाती है, थोड़ा लूज़ हो जाती है, वो जो टाइटनिंग का इफेक्ट है वो नहीं रह पाता। तो लिकोराइज को अगर आप रेगुलर वे में इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मैं बताने वाली हूँ आखिर में, उस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये आपको धीरे धीरे वो स्किन टाइटनिंग का आपको एक इफेक्ट देगा। हालांकि हमारे खुद के बॉडी में भी कोलाजिन, हमारे स्किन में भी कोलाजिन बिल्ट होता है, पर क्योंकि पॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो इस वजह से ये सारी जो नेचुरल इनकी जो पावर है वो कम हो जाती है। पर अगर आप लिकोराइज को इस्तेमाल करते हो, मुलैठी का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपके स्किन में धीरे धीरे वो जो पहले की हालात में थी, जो कि जितने की कोलाजिन की मात्रा होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए नॉर्मली, तो धीरे धीरे ये आपके कोलाजिन को रीजेनरेट करने में मदद करता है, ताकि वो खुद नेचुरल वे में आपके स्किन में बिल्ड हो पाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मुलैठी का इस्तेमाल करते हो तो ये नेचुरल चीज़ों को आपके स्किन में खुद ब खुद प्रोमोट करता है, खुद ब खुद ग्रो करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ना लिकोराइज में है अमाइनो एसिड, जो कि हमारे स्किन में मॉइस्चर देने का काम करता है और इसको रिहाइड्रेट करता है। तो ऐसे हालात में ये आपको नेचुरली आपके स्किन में मॉइस्चर को रीबिल्ड करने में मदद करता है, मॉइस्चर को आने में मदद करता है, एक रिहाइड्रेट करता है आपके स्किन को। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके लिए कि लिकोराइज बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि लिकोराइज जाना जाता है स्किन ब्राइटनिंग एंड हमारे स्किन में जो दाग धब्बे, जो मार्क्स आ जाते हैं, चाहे वो हाइपर पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन हो, मिलाज्मा हो, इसके लिए लिकोराइज या मुलैठी को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से मुलैठी आप अपने स्किन के रूटीन में अगर ऐड करोगे तो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाती है। अब जैसे इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी याद आई है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जिनको कि मिलाज्मा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो डार्क स्पॉट या ब्राउन स्पॉट हमारे चीक्स के एरिया में या आइज़ के इस साइड के एरिया में आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी लड़कियों को, मतलब जो नई नई मम्मी बनी होती है, उनको बहुत ज़्यादा ना हार्मफुल चीज़ों की यूजेस से उनको बचना चाहिए। तो उनके लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ आई गेस कि हो सकता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल हर्बल है, एकदम प्राकृतिक चीज़ है, तो इसको आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका जो मिलाज्मा है उस पर भी काम करेगा, और ये आपके खुद की बॉडी के ऊपर या आपकी बॉडी के थ्रू आपके बेबी के ऊपर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं लाएगा। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें मुलैठी से मिल सकता है, यानी कि लिकोराइज के इस्तेमाल से मिल सकता है, वो कि बहुत ज़्यादा जिनको ऐसा काम होता है कि उनको बहुत ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, या कोई सा भी आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, आपको जॉब के लिए जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, आपको रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है, तो उसमें ना जो क्या हो जाता है, हमारी स्किन जो डैमेज हो जाती है, एक तो पहला पॉइंट होगा कि हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, उसके साथ साथ एक जो सन टैनिंग पड़ जाती है, तो लिकोराइज इन दोनों चीज़ों में काम आएगा। एक जो डैमेज हो जाती है हमारी स्किन अल्ट्रावायलेट के एक्स्ट्रा रेस से,
तो उससे आपको लिक्विडाइज इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे फिर वो जो आपके स्किन सेल्स जो बिगड़ जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, वो धीरे 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 वो रिकवर होने लगता है। इसके साथ साथ जो आपको जो टैनिंग पड़ जाती है, जो धूप के कारण से रिंकल्स या कई कई लोगों को ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो लिक्विडाइज इसमें भी हेल्प करता है। तो पैक आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप सिर्फ लिक्विडाइज को गुलाब जल में या मिल्क के साथ, कच्चा मिल्क के साथ इसको आप पेस्ट बना सकते हो। इसके साथ साथ इससे अच्छा जो पैक मैं जो अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, एक चम्मच आपको 1:1 का लेना है मुलाठी का पाउडर, और फिर दूसरा लेना है मुल्तानी मिट्टी, यानी कि मुलाठी मुल्तानी मिट्टी 1:1 का लेना है प्रोपोर्शन में। इसको आप किसी भी चीज़ से घोलो, आप कच्चे मिल्क से घोल सकते हो, आप रोज़ वाटर से घोल सकते हो, या कुछ भी ना मिले तब सिर्फ पानी से भी घोल सकते हो, पर दूध अगर ना भी मिले तो अब गुलाब जल का इस्तेमाल करना सही हो। इसके साथ साथ इसको आप पैक बना सकते हो बेसन के साथ मिलाकर भी, उससे भी ये काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट देता है आपके स्किन में। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आई होप कि आपको बहुत जल्द इसका एक रिज़ल्ट मिलेगा। एंड अगर रिज़ल्ट मिलता है, जो कि मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेद कहता है, ये जो इतनी सालों पुरानी जो रेमेडी है वो कहता है, ये सिर्फ मेरे अंदर से नहीं बात निकली है, मुझे भी सीखना पड़ा है। तो ये पहले से ही तय है कि ये होगा काम। तो प्लीज़ आप कमेंट में आके बताना कि आपको किस प्रॉब्लम में कैसे आपने इसको यूज़ किया और कैसे आपको इसको बेनिफिट मिला, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि हाँ रेमेडी काम करता है। और तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर एपिसोड आपको पसंद आ जाए तो एक थम्स अप दे देना, और अभी तक कर दिया ना अपने सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट, और ठीक है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और कर लो यार, कब से बोल रही हूँ फॉलो कर लो, कोई फॉलो ही नहीं करता, मैं बेकार में अकेली बैठी हूँ वहाँ पर, फिर अकाउंट ही बंद कर दूँ, फिर कोई तो बात ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं किया तो अभी कर लो। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आ जाए तो कमेंट और लाइक करना, कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइक मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो, इससे ना मुझे कुछ ऐसा इतना नहीं होता, पर ये जो मैं इतने टाइम बैठकर ये जो बक रही हूँ, ये अगर किसी का भी काम आता है, आप अगर एक कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत एक ये जो सेटिस्फैक्शन है कि मैं क्यों अभी दोपहर 3:30 बजे मैं इतनी गर्मी में क्यों बैठी होगा, आप एक कमेंट कर दोगे तो ये मैं हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अभी जैसे मैं यूट्यूब में हूँ तो मुझे सारे यूट्यूबर्स का दर्द समझ में आता है, तो ये सबके लिए है कि एक जो कमेंट है ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, कि आप अपने डिजीज़ के लिए उससे इतना टाइम आप निकाल रहे हो कि आप 10 वर्ड अपने टाइप की हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कहीं पर भी फॉलो मत करो, पर प्लीज़ एक कमेंट कर देना मेरे लिए, इतने टाइम तक बक रही हूँ तो उसके लिए। तो चलिए फिर दूसरे एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का, परिवार का, आसपास का और पूरे देश का, और क्या बोलूँ, जय हिंद।